Dear student, today we will discuss another topic, which is classification of fungi. Classification जब हम किसी भी species, किसी भी organism के करते हैं तो उसमें कुछ character की वजह से करते हैं, या तो length की वजह से करते हैं, या color की वजह से करते हैं, या shape की वजह से करते हैं, यानी किसी character पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो फंजाई को जो है हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके जो है तीन मेन क्लासेस हैं, एक को जाइगो माइकोटा कहते हैं, जाइगो माइकोटा, दूसरा जो है उसको एस्को माइकोटा कहते हैं, इसको सेक फंजाई भी कहते हैं, सेक थेला, ठीक है, बेग, तो इसको माइकोटा या असेक फंजाई भी कहते हैं, और बेसीडियो माइकोटा को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो क्लब शेप है। क्लब क्या है, ये इस तरह का जो शेप मैंने बनाया हुआ है, ये वाला शेप, ये जो है ये क्लब शेप इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जाइगो माइकोटा। तो जाइगो माइकोटा में कौन कौन से स्पीशीज़ शामिल हैं, वो है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ये एक फंगस है जिसको राइजोपस भी कहते हैं, ठीक है, राइजोपस। इसके अलावा जो है म्यूकर भी एक फंजाई है, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं टू जाइगो माइकोटा क्लास। ये मेनली जो है जो बेकरी प्रोडक्ट है, फ्रूट से वेजिटेबल है, इस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड के ऊपर अक्सर फंगस आ जाते हैं, या फ्रूट पे जो है ना जब ज़्यादा अरसा रख लेते हैं तो गल सड़ जाते हैं, इवन अगर इसको हम फ्रिज वगैरह में भी रख लें तो तब भी वो काफ़ी अरसे बाद गल सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस पे फंगस होते हैं। अच्छा, जो जाइगो माइकोटा होते हैं उसकी जो हाइफे हैं वो किस तरह है, वो नॉन सेप्टेट है, ये मैंने डिस्कस किया है, सेप्टेट क्या है और नॉन सेप्टेट क्या है, ठीक है। इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है तो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, बाई स्पोर्स, ठीक है ना। एक हाइफा बना हुआ है, ठीक है, हाइफे जो है फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजियम बनाते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम के दरमियान स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और जब स्पोरेंजियम फट जाता है तो उससे ये बीज या स्पोर बाहर निकल आते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन बन जाता है तो एक नया हाइफा बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और इसे नए हाइफे बन जाते हैं, ठीक है, नया हाइफा बनना शुरू हो जाता है, सही है। तो ये जो थ्रू जो है थ्रू स्पोर्स हो रहे हैं, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इस क्लास में किस तरह होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह होती है कि ये जो दो हाइफे, डिफरेंट हाइफे आपस में जो है ये मिल जाते हैं, ठीक है, करीब आना शुरू हो जाते हैं, फिर हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, इसके ये जो साइड हैं, जो वाल हैं, ठीक है, वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको फिर ये जो आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको गेमिटिंजिया कहते हैं, ठीक है, गेमिटिंजिया हो जाता है, ठीक है, जब ये इसके वॉल थिक हो जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जब करीब आते हैं आपस में तो इसके जो वॉल है वो लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ड्यू टू हार्मोन रिलीज होते हैं और ये लॉन्ग हो जाते हैं, ये सेल वॉल जो है, ठीक है। तो जब ये वॉल लॉन्ग और थिक हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, गेमिटिंजिया, ठीक है। तो पहले ये वॉल थिक हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, गेमिटिंजिया, ठीक है। गेमिटिंजिया के बाद जो है फिर क्या होता है कि ये इसके जो साइटोप्लाज्म है आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर उसको क्या हम कहेंगे, प्लाज्मोगेमी कहेंगे, ठीक है, यानी प्लाज्मोगेमी हो जाती है। और इस केस में जो है ये जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो भी साथ में आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं,
ठीक है। तो याद रखें कि जब दो न्यूक्लियस आपस में जब भी फ्यूज़ होंगे तो उसको हम कैरियोगेमी कहेंगे, ठीक है, कैरियोगेमी हो जाता है, ठीक है। और ये जो कैरियोगेमी हो जाते हैं तो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसके जो सेल वॉल है ना ये थोड़े से थिक हो जाते हैं, ठीक है ना। जब थिक हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको फिर हम ज़ाइगोस्पोर कहेंगे, ठीक है। जब आपस में मिल जाते हैं ये न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं और वॉल थिक नहीं होते तो ज़ाइगोट कहेंगे। वाल अभी तक नहीं है लेकिन जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ हो गए हैं तो ज़ाइगोट। लेकिन जब इसके वाल थिक होना शुरू हो जाते हैं, जब फ्यूजन के बाद ये थिक हो गए हैं, तो फिर इसको हम ज़ाइगोस्पोर कहेंगे। देखो, व्हेन द वाल बिकम थिक, जब ये वाल थिक हो जाते हैं, ठीक है। जब ये वाल थिक हो जाते हैं फिर लाजमी बात है कि इसके बाद जो है इससे हाइफा बनेगा, क्योंकि आपस में फ्यूजन हो चुकी है दो न्यूक्लियस की। जब दो न्यूक्लियस की आपस में फ्यूजन होगी तो जब हाइफा बनता है, ठीक है, वो हाइफा बनेगा थ्रू मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, ठीक है ना। तो दो न्यूक्लियस आपस में मिले हैं, तो एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड आपस में मिला है तो डिप्लॉइड बन गया, ठीक है। लेकिन हाइफे तो सारे हैप्लॉइड हैं, तो फिर ये मियासिस होगा और ये हाइफे जो बनेगा ये एक नया हाइफा देखो बनना शुरू हो गया है, और ये है प्लेट है वन हैन है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस था जिससे ये बने हुए हैं वो डिप्लॉइड था, ठीक है। डिप्लॉइड से फिर नए सेल्स बन रहे हैं, नया हाइफा बन रहा है, और ये जो है ये हैप्लॉइड हाइफा है, ठीक है। जब हाइफे बन जाते हैं तो बाद में जो है वो स्पोर बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, सीड बनाना शुरू कर लेते हैं। तो जब सीड से बनेगा नया हाइफा तो वो ऐसे शुरू होगा, लेकिन ये नया हाइफा दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से, दो डिफरेंट हाइफे के न्यूक्लियस से बना हुआ है, दो हाइफे के कम्बिनेशन से ये नया हाइफा बना है, तो ये सेक्शुअल तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो जो सेक्शुअल तरीका है इसमें इसमें दो न्यूक्लिया जो है ना जब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं तो साथ में न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ये जो इसको माइकोटा है ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, और इसमें तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ है। इसको सेक फंजाई भी कहते हैं। ये सेक फंजाई क्यों कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और भी क्लियर कर लूं कि जब हाइफा बनता है तो स्पोर्स तो बनाएगा, यानी हर प्लांट सीड बनाता है, स्पोर्स तो बनाएगा, ठीक है। अब जो स्पोर जो है ना, जब स्पोरेंजियम में स्पोर होते हैं, ठीक है, तो ये अलग स्पोर होते हैं, ठीक है। इस शेप का बनेगा तो वो कोनिडिया वाले स्पोर्स होंगे, कोनिडिया में बनते हैं, ठीक है। यहाँ जो है ये सेक लाइक है, तेला, एक ओपन होता है एक हिस्सा, दूसरा क्लोज होता है, ठीक है, और उसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये सेक वाले स्पोर्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये 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 क्लब शेप है, ठीक है, तो ये बिसिडियोस्पोर जो है ना इसको बिसिडियोस्पोर कहेंगे, क्योंकि ये क्लब शेप है, ठीक है। तो ये जो 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 हम आगे पढ़ेंगे इसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन स्पोर जो है ना डिफरेंट एरिया या डिफरेंट एरिया नहीं डिफरेंट शेप में बनते हैं, ठीक है, या तो वो स्पोरेंजियम में बनेंगे या कोनिडिया में बनेंगे या सेक में बनेंगे या क्लब शेप में बनेंगे, ठीक है ना। क्लब शेप नुमा एक पोर्शन होगा उसमें स्पोर होंगे, ठीक है, टेलेनोमा एक स्ट्रक्चर होगा उसमें जो है स्पोर होंगे। इसको जो है ना इस सारे इस थोड़ी सी आउट ग्रुप को कोनिडिया कहेंगे, ठीक है, तो इस पे जो स्पोर होंगे वो कोनिडिया वाले स्पोर होंगे, ठीक है, स्पोरेंजियम जो है ये स्पोर्स ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो इसको माइकोटा है ये सेक फंजाई है, क्योंकि इसमें सेक बनता है, इसमें स्पोरेंजियम नहीं बनता या क्लब शेप नहीं बनता, ठीक है, या कोनिडिया नहीं बनता, तो इसमें सेक शेप बनेगा, ठीक है। तो हाइफे इसके जो है वो सेपरेट है, एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रॉम कोनिडिया होते हैं। देखो एक कोनिडिया बन गया है, ये कोनिडिया है, तो इससे जो ये स्पोर सेपरेट होगा तो फिर ये एक नया हाइफे बनाएगा ना, एक नए हाइफे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो नया हाइफा बन गया है लेकिन इसके साथ कोई रिप्रोडक्शन कोई प्रोसेस तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो ये एसेक्सुअल हुआ है, इस एक ही स्पोर से ये सारा सब कुछ बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाइफा बना है ना, ये दो डिफरेंट हाइफे की कम्बिनेशन से ये नया हाइफा बना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ से जब हाइफा बनेगा, यहाँ से जब स्पोर जाएंगे या यहाँ से जाएंगे, तो जब ये ग्रो करेंगे तो ये एसेक्सुअल हैं। तेले से जाएंगे, क्लब से जाएंगे, कोनिडिया से जाएंगे, स्पोरेंजियम से जाएंगे, ठीक है, ये सारे एसेक्सुअल होंगे, क्योंकि इसमें दूसरा पोर्शन, दूसरा हाइफा, कोई डिफरेंट हाइफा इन्वॉल्व ही नहीं है। उसी हाइफे से स्पोर, ये एक हाइफा है, इससे स्पोर जाता है, रिलीज़ होता है और इससे एक नया हाइफा बनता है। कोनिडिया से स्पोर जाता है, एक नया हाइफा बनता है। सेक से जाता है, एक नया हाइफा बनता है। क्लब से जाता है, एक नया हाइफा बनता है, ठीक है। तो इसमें दो डिफरेंट हाइफे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना, एक ही हाइफे से ये जा रहा है। तो ये एसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जब दो हाइफे आपस में मिलके एक नया हाइफा बनाता है तो उसको सेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। अगर दो हाइफे नहीं है, स्पोर से बन रहा है, तो स्पोर से जो बन रहा है वो एसेक्सुअल तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो हाइफा जो है वो सेप्टेट है, एसेक्सुअल जो है वो फ्रॉम कोनिडिया, ठीक है। और बडिंग ये याद रखें कि बडिंग सिर्फ और सिर्फ होती है यीस्ट में। तो यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो फंजाई की हम इस तरह भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि फंजाई आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट ये वो वाहिद फंगाई है जो यूनिसेलुलर है, बाकी जो है सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो बडिंग किस तरह होती है, ये बडिंग सिर्फ उसमें होती है, यीस्ट में होती है। तो बडिंग में ये है कि ये एक यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट का एक सेल है, तो इससे एक बड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये बड, ठीक है। और आखिर में ये बड जो है ये सेपरेट हो जाता है, ये डिटेच हो जाता है अपने पेरेंट सेल से, और फिर ये जो है ग्रो करता है और एक पेरेंट बना लेता है, ठीक है। इस तरह इसकी जो है बडिंग होती है यीस्ट में। तो ये बडिंग के बारे में था। अच्छा, कैनिडिया और बडिंग सेक्सुअल किस तरह होती है। सेक्सुअल वही कि पहले दो हाइफे आपस में आएंगे, प्लाज्मोगेमी बनाएंगे, यानी आपस में साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर डाइकैरियोटिक हाइफे बनते हैं। यानी उसमें डाइकैरियोटिक किसे कहते हैं, वो सेल जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद हो, वो न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज ना हुआ हो, तो डाइकैरियोटिक हाइफे बनते हैं, ठीक है। जब डाइकैरियोटिक हाइफे बन जाते हैं तो फिर लेटर ऑन जो है वो जो डाइकैरियोटिक हाइफे है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इससे ये जो है ना हाइफा बन रहा है, और ये डाइकैरियोटिक, इसमें भी दो सेल है, इसमें भी दो न्यूक्लियस है, सॉरी, और ये सेल डिवाइड हो रहे हैं और दो दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ना ये दो जो न्यूक्लियस है ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो फिर उसको कैरियोटिक हाइफा कहेंगे, ठीक है, या कैरियोटिक कहेंगे। तो यहाँ पे पहले डाइकैरियोटिक हाइफे बनते हैं, फिर जो है कैरियोगेमी होती है, ठीक है। यानी जो दो न्यूक्लियस है आपस में मिल जाते हैं। अगर दो न्यूक्लियस आपस में नहीं मिले हैं किसी सेल में, ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइकैरियोटिक है, ठीक है, हाइफा है, ये हाइफा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, कैरियोगेमी, ठीक है। तो किसी में जो है स्टार्ट में कैरियोगेमी होती है, दो साइटोप्लाज्म मिल गए और दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए तो कैरियोगेमी हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि वो कैरियोगेमी पहले नहीं करते, पहले जो है इसी तरह सेल्स जो है नए नए सेल्स बनाते हैं और उसमें वही दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, तो इसको फिर डाइकैरियोटिक हाइफा कहेंगे, ठीक है। फिर ये डाइकैरियोटिक हाइफा के जो सेल्स है उसमें जो है ये न्यूक्लियस बाद में जो है फ्यूज़ हो जाते हैं, या फ्यूज़ होंगे तो फिर बाद में कैरियोगेमी होगी, ठीक है, तो कैरियोगेमी हो गई, ठीक है। और फिर उससे नया हाइफा बनेगा मियोसिस के थ्रू, और फिर स्पोर्स बनाना और शुरू करेंगे, ठीक है, तो कैरियोगेमी होगी। एस्कस जो है ना, एस्कस का मतलब क्या है, एस्कस का मतलब है सेक, ठीक है। तो जो सेक में जो स्पोर होंगे तो उसको एस्कोस्पोर कहेंगे, ठीक है, एस्कोस्पोर। जो तेला बना हुआ है ना ये जो है, तो ये सेक है, एस्कस है, इस सारे सेक को हम एस्कस कहेंगे। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, इसको कोनिडिया कहते हैं, इसको क्लब कहते हैं, इसको सेक कहते हैं, ठीक है, या एस्कस कहते हैं। तो इसमें जो स्पोर होंगे तो इसको स्पोर कहेंगे, ठीक है। तो
तो इसमें भी जो है 8 स्कोर्स होते हैं, ठीक है, 8 स्कोर्स होते हैं जिसको हम स्कोर कहेंगे, ठीक है। और जब मैनी एस्कर्स, जब बहुत सारे एस्कर्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको फिर हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, ठीक है। जब बहुत सारे एस्कर्स बन जाते हैं तो मैनी एस्कर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम इसको कार्प भी कहते हैं, ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम इसको कार्प भी कहते हैं, समझ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं टूवर्ड्स बिसीडियोमाइकोटा। बिसीडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई कहते हैं क्योंकि उधर एक क्लब शेप नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्पोर होंगे उस इस कस्में थे, तो इसको स्पोर, यहाँ पे स्पोर जब होंगे तो बिसीडियो स्पोर कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो स्पोर्स है तो इसको बिसीडियम कहते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को। तो बिसीडियम में जो स्पोर होंगे तो बिसीडियो स्पोर्स। तो इसके जो पैथोजेंस है वो रस्ट एंड स्मट, ये फंगस है, ठीक है। इसके अलावा मशरूम, पुकीनिया, ओस्टी लीग या अस्टी लीग, ठीक है, USTILIGE, ठीक है, पुकीनिया PUCCINIA, ठीक है। तो ये जो ओस्टी लीग है ये साइंटिफिक नेम है स्मार्ट का, ठीक है, और जो पिक्यूनिया है ये साइंटिफिक नेम है रस्ट का, ठीक है। ये जो है ये फंगस है, ठीक है, मशरूम भी फंगस है। इसके अलावा एगारेकस जो है ये एक फंगस है, पफ बाल है, ये बिलोंग करते हैं टू रिसीडियो माइकोटा के, ठीक है। तो इनके जो हाइफे हैं वो क्या है, वो सेप्टेट हैं, ठीक है, सेप्टेट और एसेप्टेट आपको पता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, थ्रू कुनिडिया। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कुनिडिया बन जाता है और उसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर डिटेच हो जाते हैं और इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। सेक्सुअल किस तरह होती है, दो हाइफे आपस में मिलते हैं, पहले प्लाज्मोगेमी करते हैं, प्लाज्मोगेमी पता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर जो है डाइक्यूरियोटिक हाइफा बनता है। डाइक्यूरियोटिक हाइफा वो हाइफा होता है जिसमें दो न्यूक्लियस अलहदा अलहदा सेल्स में होते हैं, अभी न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं हुई होती, ठीक है, डाइकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। फिर जो जो बाद में जो है फिर क्या होता है, कैरियोगेमी होता है, ठीक है। ये जो कैरियोगेमी यानी बाद में फिर ये जो डाइकैरियोटिक यानी जो दो न्यूक्लियस वो सेल जो दो न्यूक्लियस रखते हैं वो आपस में वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। बास फंगस में जो है उसी टाइम फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो कैरियोगेमी कहेंगे। जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे फ्यूज़ होंगे कैरियोगेमी, जब साइटोप्लाज्म मिलेंगे तो फिर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर या तो दोनों न्यूक्लियस आपस में एब्रप्टली मिल जाएंगे तो उसको कैरियोगेमी कहेंगे, या जो है वो हाइफा बनाएगा और उसमें जो है वही अलहदा अलहदा न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, तो डाइकैरियोटिक हाइफे बनाएगा, ठीक है। जब डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा फिर बाद में जो है वो दो सेल कैरियोगेमी करेंगे, आपस में जो है मिलेंगे, ठीक है, तो कैरियोगेमी हो जाता है, ठीक है, और एक नया हाइफा जो है वो बनना शुरू होता है, ठीक है ना। इसमें जो है ये देखो ये दो डिफरेंट न्यूक्लियस है, पहले डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा, ये नया हाइफा बन रहा है, ठीक है, ये हाइफा बन रहा है लेकिन इसमें दो अलहदा अलहदा न्यूक्लियस हैं, वो अभी आपस में फ्यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है, तो फिर बाद में जो है ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे एक नया हाइफा बनेगा, ठीक है, जो हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना, हैप्लॉइड। ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, फिर मियासिस के थ्रू हैप्लॉइड हो जाएंगे और एक एक न्यूक्लियस जो है इसमें हैप्लॉइड आ जाएगा, ठीक है, और बाद में वो बिसीडियम बनाएंगे या बिसीडियो स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे एसेक्सुअल तरीके से फिर होगी, नया हाइफा बनेगा, लेकिन इससे जो हाइफा बना है वो थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक फिर कैरियोगेमी होगा, ठीक है, तो फिर क्या बनाएगा, बिसीडियम बनाएगा, ठीक है ना। बिसीडियम में क्या होते हैं, बिसीडियम स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और बिसीडियम में मैनी स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, इसकी तादाद नहीं लिखी गई बुक्स में,
जब बहुत सारे पिसीडियम मिल जाएंगे तो उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एस्कस मिले थे, तो जब बहुत सारे एस्कस आपस में मिले थे तो मैंने एस्कस को फ्रूटिंग बॉडी कहते थे। तो इधर भी बहुत सारे पिसीडियम जब मिलेंगे, ठीक है, तो उसको फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम बिसीडियो कार्प भी कहते हैं। जिस तरह इसको एस्को कार्प कहते थे ना, जो एस्को माइकोटा के क्लास है, ठीक है, उसमें हमने फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प कहा था, क्योंकि बहुत सारे एस्कस आपस में मिलके फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिसीडियम मिलके आपस में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्को कार्प कहेंगे, और जो बिसीडियम से बना हुआ है उसको हम बिसीडियो कार्प कहेंगे, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।